बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 10। आज हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन को। डिफ्यूजन, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक खुदकार एक दूसरे के साथ मिक्स होने का अमल है, जिसमें किसी एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के साथ किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर दूसरी गैस के साथ खुद बखुद मिल जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिलेंडर है जिसमें ब्लू टाइप के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे सिलेंडर से हमने इसमें रेड कलर के गैस के मॉलिक्यूल्स पुट कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये आपस में मिक्स होते जा रहे हैं। तो इसमें जब हम दूसरे सिलेंडर से गैस के मॉलिक्यूल जिनको रेड कलर से शो किया गया है इस सिलेंडर में पुट करते हैं, तो दोनों टाइप की गैसेस, ये ब्लू कलर की गैस मॉलिक्यूल्स और रेड कलर के गैस मॉलिक्यूल, ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद और थोड़ा टाइम लेंगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। इसमें ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स होमोजीनियसली सेपरेटेड हैं, यानी यकसां तरीके से इस पूरे सिलेंडर के अंदर मिक्स हैं। इस हिस्से में जितने मॉलिक्यूल हैं, किसी दूसरे उतने ही वॉल्यूम में उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे ब्लू कलर के, और रेड कलर के मॉलिक्यूल्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर अपना बना चुके हैं, होमोजीनियसली यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। इस चैप्टर को स्टडी करते हुए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 भी ज़रूर खोल लें। इसमें जो ऊपर वाली डायग्राम है, जिसमें लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन और राइट साइड पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शो किया गया है, और ऑक्सीजन आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कलरलेस गैस है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर्ड गैस है। जब इनके दरमियान से हर्डल को हम हटा देते हैं, तो एरो का साइन आपको बता रहा है राइट साइड पे ये दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ थोड़ी देर में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाती हैं। इसकी मिसाल है द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज और सेंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, कि जब हम गुलाब के फूल को लाते हैं कमरे में तो उसकी खुशबू सब फील करते हैं, या सेंट लगाते हैं किसी किस्म की खुशबू को कमरे में लाते हैं तो पूरे कमरे में उसकी जो स्प्रेडिंग हो जाती है, जो स्प्रेड हो जाती है, इस स्प्रेड होने के अमल को हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन की वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कोलाइजन एंड रैंडम मोशन, कि मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं और बेतरतीब तरीके से मूव करते रहते हैं, किसी ख़ास कानून की पाबंदी के बगैर, किसी ख़ास डायरेक्शन में चले बगैर, बेहंगम तरीके से बगैर तरतीब के मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इनका ये टकराव और बेतरतीब तरीके से मूवमेंट बिल आखिर इनको होमोजीनियस मिक्सचर यकसा यक फेजी अमेजा बनाने पर, एक तरीके से बराबर बराबर मिक्स होने पर मुंतज होता है, फाइनली हमें ये चीज़ मिलती है। दूसरा है हमारे पास एफ्यूजन। एफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इट्स मूवमेंट थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग ऑफ अ मॉलिक्यूलर साइज इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर आर वैक्यूम, कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और दरमियान में इसके एक हर्डल लगाई गई है, लेफ्ट साइड पे गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और राइट साइड पे बहुत कम हैं या बिल्कुल ही नहीं है। बहुत कम होंगे तो लो प्रेशर होगा गैस का, अगर बिल्कुल नहीं है तो वैक्यूम होगा। दरमियान की इस हर्डल में से अगर हम बारीक सा सुराख कर दें, एक पिन होल सा, कि निहायत ही बारीक सुराख, के एक वक्त में एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इससे ना गुजर सकें,
तो आप सब जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी इस डायग्राम में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल का वन बाय वन इस स्मॉल ओपनिंग से अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फरार अख्तियार करने का अमल ये एफ्यूजन कहलाता है। इसकी सादा सी एग्जांपल है लीकेज ऑफ सुई गैस। सुई गैस का अपने पाइप से या किसी सिलेंडर से एलपीजी गैस का लीक होना, तो इस अमल में गैस तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी बाहर हवा में आ रही होगी, लेकिन बाहर की जो गैस है वो सुई गैस के या एलपीजी के सिलेंडर के अंदर नहीं जा रही होगी, यानी दो तरफा अमल नहीं है, एक तरफा अमल है, ये एफ्यूजन कहलाता है, जबकि डिफ्यूजन में दो तरफा अमल था। एफ्यूजन की रीज़न क्या है? याद रहे यहाँ पे कुलयन इसकी रीज़न नहीं होती, यानी गैस के मॉलिक्यूल का आपस में टकराव ये इसकी रीज़न नहीं होती, वो रीज़न थी डिफ्यूजन में। यहाँ है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू एस्केप वन बाई वन, गैस के मॉलिक्यूल का यके बाद दीगरे छोटे से सुराख से पिन होल से फरार अख्तियार करने का जो रुझान है वो एफ्यूजन का बायस बनता है। बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल जो हैं इनकी आदत होती है कि वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएं, हर तरफ इसकी दीवार से टकराएंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ आके टकराएगा यहाँ आगे दीवार तो होगी नहीं, लिहाजा यहाँ से गुजर जाएगा, तो इस तरीके से यके बाद दीगरे यहाँ से एस्केप होते जाएंगे। यहाँ एक दूसरे से गैस के मॉलिक्यूल का टकराव एफ्यूजन का बायस नहीं बन रहा, मगर जो वॉल के साथ टकराने की जो इसकी हैबिचुअल कुलयन है विद दी वॉल ऑफ कंटेनर, ये इनके एस्केप करने पे इनके फरार होने का बायस बनेगी और यही एफ्यूजन है। अब हम देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। थॉमस ग्राहम जो कि 1869 में इनकी डेथ हुई, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें ये लॉ दिया था, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी इस लॉ में, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं तो किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ एफ्यूजन, डिफ्यूज़ करने की शरह या एफ्यूज़ करने की शरह, उसी गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट यानी जजर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल से बदलते हैं, तो मैथमेटिक्स हमें पाबंद करती है कि हमें यहाँ पे राइट साइड पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करना होगा। हम यहाँ टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ सिंबल। हम ऐसा भी कर सकते हैं डी को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू के, इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हम इक्वेशन को देख सकते हैं। अब हमारे पास फर्ज करते हैं कि दो गैसेस हैं, पेज 58 टेक्स्ट बुक का, तो इसमें जो ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे उसको आप कलरलेस गैस है, इसको आप गैस वन समझ लें, और जो राइट साइड पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस है इसको आप गैस टू फर्ज कर लें। तो गैस वन की रेट ऑफ डिफ्यूजन आर वन मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस वन डी वन, स्क्वायर रूट ऑफ डी वन इज इक्वल टू के। नाउ फॉर द सेकेंड गैस विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस, इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन आर टू मल्टीप्लाइड बाई इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, इसमें बहुत अहम बात यह है कि दोनों में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सेम है, या ग्राहम्स लॉ कांस्टेंट है ये सेम रहता है, अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, और दोनों गैसेस जब मिक्स कर रहे थे, आप पेज 58 पे देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टेक्स्ट बुक पे, इन दोनों का वॉल्यूम सेम हो, गैसेस भले डिफरेंट हों, आइडियल गैसेस हों भले डिफरेंट हों, लेकिन इनका के फिक्स रहता है, लिहाजा अब दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड चूंकि बराबर है, लामहाला तौर पे मैथमेटिकली
इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं आर वन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी वन इज इक्वल टू, अब ये इसके बराबर हो जाएगी, इस की राइट साइड पे हम ये लिखेंगे आर टू मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी टू, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर थी, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। लिहाजा इधर से आर टू हम इस तरफ ले आएंगे बटे में, और डेंसिटी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में चली जाएगी। यानी रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। इनवर्स क्यों कहा, इसको ऊपर ले जाएं तो डी वन का इनवर्स, और इसको नीचे ले आए तो डी टू का इनवर्स, और ये रेशो और ये स्क्वायर रूट हम कॉमन ले सकते हैं, इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है। आप जानते हैं डी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम टू ओवर वी। एम टू इज द मलिकुलर मास ऑफ गैस टू, ओवर वी इज द वॉल्यूम। हियर मलिकुलर मास ऑफ गैस वन डी वन की जगह ओवर वी, तो ऊपर वी टू और नीचे वी वन क्यों नहीं लिखा। अब 58 पेज पे O2 और NO2 जब मिक्स हो गई थी राइट साइड पे, जो बड़ी आपके पास पूरा सिलेंडर नज़र आ रहा है, जितना वॉल्यूम O2 का है गैस वन का, उतना ही वॉल्यूम NO2 का है यानी गैस टू का, क्योंकि गैस जो होती है उसको जितना वॉल्यूम दिया जाए उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। वॉल्यूम बराबर है तो इसको हम A ओवर B बटा C ओवर D के तर्ज पर लिखेंगे तो दोनों वॉल्यूम कट जाएंगी और फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, जिसको हम कह सकते हैं दी रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मैसेस। तो इनवर्स मैं आपको फिर बता दूं कि M1 को ऊपर ले जाएं तो M1 इनवर्स, और M2 को नीचे ले आएँ तो M2 इनवर्स, ऐसे बोला जा सकता है। ये मैं आपको ज़िमनन एक एडवांस बात बता रहा हूँ जो आपकी बुक वगैरह में अगरचे नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये हालो है, खाली है, और दोनों इसके जो एंड्स हैं ये ओपन हैं, और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। एक हमने बीकर लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में मिक्स है, एक्वस एक्सियल, एक्वा कहते हैं पानी को, और दूसरी जानब अमोनिया गैस मिक्स विद दी वाटर, एक्वा पानी के अंदर मिक्स है। एक कपास का टुकड़ा जो है वो अमोनिया वाटर के अंदर भिगो लेंगे, और एक कपास का टुकड़ा यानी काटन प्लग जो है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस है पानी में मिक्स है उसके अंदर सोख कर लेंगे यानी भिगो लेंगे। अब स्केलपेल से यानी ट्यूजर से इसको भी उठाएंगे, इस काटन प्लग को और इस काटन प्लग को, और दोनों को एक एक एंड पे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो इसमें अहम बात ये है, एहतियात ये है कि इन में से किसी को मुकद्दम और दूसरे को मुअख्खर नहीं करना, यानी ऐसा नहीं करना है कि पहले पोर्ट कर दें और इसको बाद में पोर्ट करें। जो पहले पोर्ट करेंगे उसके वेपर ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाएंगे। जब कंपटीशन है तो दो खिलाड़ियों का सेम टाइम पे रनिंग टाइम जो है वो शुरू होगा, सेम टाइम पे वो भागेंगे। इस तरीके से इसको और इस कपास के टुकड़े को एट द सेम टाइम यहाँ पर पोर्ट करना है, तो इसके वेपर बाहर भी जाएंगे अंदर भी जाएंगे। इस तरफ इसके वेपर्स आ रहे हैं और अमोनिया वाटर के इस तरफ से वेपर आ रहे हैं, और जब ये दोनों टकराएंगे NH3 और HCl, ये टकरा के NH3 और ये H, तो NH4 हो जाएगा साथ Cl, NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड बनेंगे, इसके वाइट फ्यूम्स बनेंगे, सफ़ेद कलर के इसके दुखान बनेंगे, धुआं टाइप बनेगा, और जहाँ ये हमें नज़र आएगा, आसान से एक्सपेरिमेंट है, ट्यूब के बाहर हम मार्कर के साथ पॉइंटर के साथ एक छोटा सा निशान लगा देंगे। एक्सपेरिमेंट हमारा एंड हो गया, तो अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम में HCl के वेपर ने कितना ट्रेवल किया, ये 40.5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, और उसी टाइम में अमोनिया के मॉलिक्यूल ने कितना ट्रेवल किया, ये 59.5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया।
अब हम इनको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, लेकिन इससे कबल हम ज़िमना में ये जान लेते हैं कि इसने ज़्यादा फासला कैसे तय कर लिया। नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन की मास 1 होती है, 3 हाइड्रोजन की मास हो जाएगी 3, 14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल, जबकि HCl में क्लोरीन की मास 35.5 और हाइड्रोजन 1 यानी 36.5, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने इन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी। क्योंकि ये भारी है, ये वजनी है, इनकी मैस ज़्यादा है, लिहाजा इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी इनकी स्पीड जो है या दूसरी गैस के अंदर मिक्स होने की जो शरह है वो स्लो होगी, और जो गैस हल्की है उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ग्रेटर द मास लेस विल बी द वेलोसिटी, एंड स्मॉलर द मास लाइटर द गैस फास्टर विल बी इट्स स्पीड एंड वाइस वर्सा। जी, हमारे पास ये इक्वेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। तो HCl यहाँ नीचे है तो इसकी मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट ऊपर होगा, यहाँ अमोनिया ऊपर है तो दूसरी साइड पे इनकी मॉलिक्यूलर मास का जो स्क्वायर रूट है वो नीचे होगा। यहाँ अमोनिया ने ट्रेवल किया था 59.5 और HCl ने 40.5 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम अगर लेंगे तो फिर इनकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड स्पीड, और इसी स्पीड या वेलोसिटी को ही हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। और इस तरफ HCl 36.5 का स्क्वायर रूट और अमोनिया 17 का स्क्वायर रूट, इनको कॉमन स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। स्पेस को डिवाइड करें और फिर स्क्वायर रूट लें 1.46, स्पेस को डिवाइड करें 1.46। तो इसका मतलब ये है दोनों गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो रेशो है उन्हीं गैसेस के उलट या उनके इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मैसेस की जो रेशो है उसके बिल्कुल ये चीज़ें बराबर हो गई हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, और एक बात याद रखें कि जिस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल होगा, जो प्रॉब्लम आई मीन एग्जांपल होगी, उसको उसके साथ सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो चीज़ हमने अगर टॉपिक पढ़ा होता है बेसिकली हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के की काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी होती है, ताकि आम जिंदगी के अंदर या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करने के काबिल बन जाएं। तो हमारे पास दो गैसेस हैं, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एफ्यूजेस आर डिफ्यूजेस फोर टाइम एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। दो गैसेज हैं, एक गैस नोन है जिसका पता है हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस अननोन है जिसका हमें नहीं पता कौन सी है। दोनों गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, हाइड्रोजन के 250 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरी गैस जो अननोन है उसके भी 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी 250 मिलीलीटर। तो इन दोनों गैसेस के दरमियान से जब हर्डल निकाली गई, पेज 58 टेक्स्ट बुक का आप निकालेंगे, और उसमें एक गैस ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उनमें से एक को आप एज्यूम कर लें कि वो हाइड्रोजन है और दूसरी को अननोन गैस एज्यूम कर लें। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर प्रेशर वैसे ही शर्त होती है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, वो बराबर रखना ही पड़ता है, वो भी बराबर होंगे। तो इनके दोनों के दरमियान वॉल्यूम बराबर, टेम्परेचर बराबर, प्रेशर बराबर, गैसेस डिफरेंट हैं, दरमियान से हर्डल निकालेंगे तो दूसरे की तरफ ये चीज़ें दौड़ेंगी, ट्रेवल करेंगी। तो अब हमने इससे मालूम करना है कि जो अननोन गैस है उसकी मॉलिक्यूलर मास क्या होगी। बहुत आसान है ये, सपोज अननोन जो गैस है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, आप किसी और सिंबल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है यानी आर एक्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस एक्स ये 1 है। 1 हम अपनी मर्ज़ी से लिया, कहाँ से लिया, यानी अगर इसको 1 लेंगे तो दूसरी इसे 4 गुना यानी 4 हो जाएगा। इसको आप 4 भी ले सकते हैं, इसको 4 लेंगे तो दूसरी उसकी 4 गुना उसको 16 लेना होगा। दूसरी हमारी पास हाइड्रोजन गैस है उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है RH2 ये 4 गुना ज़्यादा, अगर वो 1 है तो ये 4, और इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या है 2.016 ग्राम पर मोल, या इसको हम रफली 2 भी लिख सकते हैं। अननोन गैस की मॉलिक्यूलर मास क्या होगी MX, इसको मालूम करना है। फार्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस X। तो इसकी मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट MX
ऊपर और इस गैस की मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट नीचे पुट करेंगे। अगर ये 1 है तो आज H2 की रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 थी, और H2 की मॉलिक्यूलर मास क्या है, 2 स्क्वायर रूट फार्मूला से आया, और इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या आई हमने मालूम करनी है, हमें नहीं पता। आप ऐसा करें, इस पूरी इक्वेशन का मुरब्बा ले लें, स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, और इसका जजर जो है यानी स्क्वायर रूट जो है वो मुरब्बा से कट जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी इससे कट जाएगा। तो इन्होंने इसको लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कोई हर्ज नहीं है, इसको लेफ्ट साइड पे, इनको राइट साइड पे लिख लेते हैं, mx/2, और ये हो जाएगा 16 और 1, ये इधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर है 32 ग्राम पर मोल। अनोन गैस की मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम कर ली। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक एंड हुआ, लेकिन ज़िमनन हम यहाँ पे एक बात सीख सकते हैं कि 32 ग्राम पर मोल किस गैस की मॉलिक्यूलर मास होती है, क्या बता सकते हैं? यस, बिल्कुल, आप लोगों ने दुरुस्त जाना, O2 मुरादे से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।